अस्सलाम वालेकुम, राबे किचन में आप सबको खुश आमदीद। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से रमजान मुबारक, ईद उल फितर की ईद मुबारक। आज हम लोग बनाएंगे राबे के किचन में ईद के मौके पे ईद स्पेशल बिरयानी, वो भी घर के तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करना। तो ये हमारे घर की स्पेशल बिरयानी है, तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी, आप लोग इसी तरह से बनाना। यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चिकन ली हूँ बोन्स के साथ, तो इसी तरह आप लोग भी ले लेना। इसमें मैं 600 ग्राम चावल डालूंगी और 1.25 किलो गोशे। यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। 200 ग्राम दही है, 6 से 7 हरी मिर्च और लहसुन कूट के रखी हूँ मैंने, बारीक चॉप किया हुआ है, ये डाल देंगे इसमें। यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाली हूँ, इसलिए तीखा आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल देंगे, 1 मुट्ठी चॉप की हुई कोथमीर डाल देंगे, 1 मुट्ठी डाल देंगे पुदीना चॉप किया हुआ। तो यहाँ पर 300 ग्राम मैंने प्याज को तल के ली हूँ, बरिस्ता बना ली हूँ, तो ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे फूड कलर, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर डाल देंगे 3 छोटे छोटे टमाटर चॉप किए हुए। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत आसान बिरयानी है ये। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसको रात में मैरिनेट भी करके रख सकते हैं, अगर नहीं है तो सुबह भी आराम से इसको झटपट बना के खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब मसालों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 आलू को फ्राई कर ली हूँ प्याज के साथ, प्याज भी बरिस्ता बनाने के टाइम ये भी मैंने फ्राई कर ली हूँ, इसको बाद में डाल देंगे, इसमें जगह नहीं है। यहाँ पर ली हूँ मैं 4 तेज़पत्ता, 15 से 20 काली मिर्च, 10 से 12 लौंग, 2 बादियान फूल, आधा छोटा चम्मच लेंगे शाही जीरा, 7 से 8 लेंगे हरी इलायची, 2 बड़े लेंगे दालचीनी के टुकड़े। और यहाँ पर ली हूँ मैं जावित्री, तो इसमें से मैं आधा मसाला चावल में डालूंगी, आधा बघारने में डालूंगी, बिरयानी बघारने में डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं 150 ग्राम तेल ली हूँ, ये वही तेल है जिसमें मैंने बरिस्ता बनाई हूँ, और उसी में मैंने गरम मसाले डाल दिए। अब यहाँ पर गरम मसाले हमारे अच्छे से तड़क चुके हैं, अब डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब सभी मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच भर के डाल देंगे बिरयानी मसाला पाउडर, तो आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये होममेड गरम मसाला है, बिरयानी मसाला हमारे घर का है। मेरे चैनल पर बिरयानी मसाले का भी वीडियो है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। अब डाल देंगे ये 2 आलू, ये ऑप्शनल है, ये फ्राई किए हुए आलू है। अब सभी मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे। जब तक यहाँ पर हमारा मसाला भून रहा है, मैं चावल का पानी भी चढ़ा देती हूँ एक तरफ। तो यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी बिरयानी की, तो ये हमारे घर की स्पेशल बिरयानी है, तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। अगर ईद में खाना है तो ये बिरयानी एक बार ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। अब चलते हैं चावल का पानी रखने की तरफ। अब ये जो आधे गरम मसाले मैंने रखी हूँ, इसको डाल देंगे चावल के पानी में। ये बिरयानी के लिए चावल का पानी रखी हूँ मैं, 2 से 2.5 लीटर तक पानी है। पानी अगर ज़्यादा भी होता है तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पानी को निकालना ही पड़ता है। नींबू डाल देंगे, इससे हमारे चावल एकदम वाइट और खिले खिले बनेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा से ऑयल डालना है तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इससे 2 चम्मच तेल डाली हूँ, आप अपने हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दी हूँ सब मसाले डालकर, जब तक बॉयल नहीं आता जब तक हम लोग इसको देखेंगे नहीं। तो अभी यहाँ पर चिकन अच्छे से गल चुका है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। बिरयानी के मसाले के जो आलू होते हैं ना, बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं, इसलिए आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा चावल का पानी बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धोकर 1 घंटा पहले भिगा के रखी हूँ चावल को। चावल डाल देंगे पानी के अंदर। अब चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे पकने तक। अब चावल यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं, 80% हमारे चावल गल चुके हैं। अब इसका पानी निकाल कर मैं आपको मसाले पे लेयर लगाने के लिए बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी भर के बरिस्ता, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा से पुदीना। अब इस पे डाल देंगे हम लोग चावल,
यहाँ पर मैं सब कलर मिक्स करके डाल रही हूँ, आप लोग के ऊपर है, जो भी कलर आपको डालना है डाल देना। यहाँ पर मैंने बरिस्ता, कोथमीर, पुदीना ऊपर से फिर वापस से डाल दी हूँ मैं, आपके ऊपर है ये। और घी अगर चाहिए तो आप लोग इस पर 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस डाल देंगे खुशबू के लिए, 3 से 4 बूंद डाल देंगे। बस अब इसको दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुका है दम पे देकर, तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत खिली खिली अच्छी लग रही है। तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ईद स्पेशल बिरयानी, वो भी घर के तरीके से, तो ये हमारी घर की स्पेशल बिरयानी है। इस रमज़ान में आप लोग अपने मेहमानों के लिए ये डिश जरूर बनाना, बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद तो मैं खाने जाऊंगी, मेरे को भी बहुत दिल ललचा रहा है इसमें। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो कोई और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।